نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير لوجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله उलट गया निजाम अमन सो रहे फसाद का उलट गया निजाम अमन सो रहे फसाद का सितारा उस पर हुआ सपेर बदनियाज का गया जमाना साथियों चराग अबरुबाद का गया जमाना साथियों चराग अबरुबाद का मुजाहिदो उठो के वक्त आ गया जिहाद का काबिल कदर हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ तलबा आज़ीज़ ये बात सबको अब अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि उलमाए देवबंद कौन है और क्या है। कल जो लोग उलमाए देवबंद की शान को भूल गए थे तो आज उन्हें फिर याद आ गई है। कल हमसे कहते थे कि तुमने हमारे बच्चों को ख़राब किया, सर पे टोपी ओढ़ाई, शलवार ऊँची ऊँची की, ये बेचारे स्कूल में पढ़ते तो जरा बाबू नजर आते, मदरसा पढ़ते ये बेचारे चपरासी में नहीं लग सकते। हम कहते हैं हम चपरासी में लगने के लिए पैदा हुए ही नहीं। हम कहते हैं एक वक्त आएगा कि जब तुम देखोगे इंशाअल्लाह कि ये चटाई पर बैठने वाले कहाँ तक जाते और कहाँ तक पहुँचते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि वाकई इस मदरसे में पढ़ने वाला चपरासी तो नहीं लग सकता, अमीरुल मोमिनीन बना सकता है। आज दुनिया ने कोई खुफी अंदाज को ताकतवर समझता है, कोई समझता है कि अमेरिका की सदर किस ज्यादा ताकत है, लेकिन खुद खुफी अंदाज के सामने में जाकर पूछो कि बताओ इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, वो कहेगा चटाई पर बैठा हुआ मुल्ला उमर। ना वो हमारे हाथों में आ रहा है, ना वो किसी के हाथों में आ रहा है, खुदा के किसी हुक्म को नीचे नहीं होने देता, अक़वामे मुज्तहिदात की किसी हुक्म को ऊपर नहीं होने देता, और अल्लाह के नबी की एक एक हदीस पर अमल करने की खातिर, एक एक रिवायत पर अमल करने की खातिर आधे अफगानिस्तान को जलाने के लिए तैयार बैठा है। लोग कहते हैं कि हनफियो तुम हदीस पर अमल नहीं करते हो, तुम हदीस को नहीं मानते हो, ओ जालिमो तुमने क्या हदीस की कुर्बानियां दी है। एक हदीस है मेरे नबी की, तुमने तो चार हदीसें याद कर रखी है, हमारे बुजुर्गों को चार चार लाख याद है। एक हदीस है मेरे नबी की कि मुसलमान मेहमान का इकराम करता है, मुसलमान मुसलमान किसी का सुपुर्द नहीं करता। देखो मुल्ला उमर हनफी इस हदीस पर अमल करने की खातिर अमेरिकी मिसाइलों के हमले को बर्दाश्त कर रहा है और अपने आप को हलाकत में डालने के लिए तैयार बैठा है। कहता है अफगानिस्तान जल सकता है, मुल्ला अमर के टुकड़े हो सकते हैं, मेरा सर कट सकता है, लेकिन नबी की हदीस नीचे हो जाए और मुसलमान उस पर अमल ना करे नहीं हो सकता। बताओ हम देवबंदियों ने हनफियों ने हदीस की हिफाजत की है या किसी और ने की है। देवबंद की शान को अब एडवानी भी मानने लगाया। कल तक कहते थे कि हमारी जेलें बहुत मजबूत है, हमने फला डाकू को पकड़ा, फला बेइल्लत को पकड़ा, फला चोर को पकड़ा, इंडिया की जेल में कोई भड़क नहीं सकता, कोई खड़क नहीं सकता, यहाँ से तो इन जेलों से तो निकलना दूर की बात, इन जेलों से ऊपर से कोई चिड़िया भी पार नहीं हो सकती। खुदा की कसम जब देवबंद से ताल्लुक रखने वाले एक अदना सरकारी बेल में को पकड़ के बिठाया, खुदा की कसम जेल के अंदर की दीवारें भी लड़क रही थी, बाहर की दीवारें भी लड़क रही थी, वहाँ दरस कुरान भी हो रहा था, वहाँ रसूलुल्लाह की हदीस भी पढ़ी जा रही थी। कुरान और हदीस को समझाने के लिए इमाम अबू हनीफा ने जो फिका बताई है उसका दर्श भी वहाँ हो रहा था, वहाँ अल जिहाद के नारे भी बुलंद हो रहे थे और जेल का एसपी और पीएसपी बार दफा आईएसपी वहाँ खड़े होकर तमाशा देखता था कि ये मौलवी जेल से निकलेगा कैसे, ये मौलवी जेल से भागेगा कैसे। मगर मेरे अल्लाह की कुदरत देखो, वो इन जेल में जाने से पहले दारुल उलूम देवबंद गया था, वो मजार कासिम पर गया था, वो अपने अंबिया के कब्रों पर गया था,
वो अपने अकाबिरिन के कब्रों पर गया था, उसने वहां खड़े होकर यह अहद किया था कि मैं इन्हीं के नक्शे कदम पर चलूंगा इंशाल्लाह, इसलिए कि यह मेरा मोहसिन है। उसने कहा तुम्हारी रुदा जो है वो टूटेगी इंशाल्लाह। जेल का एसपी, पीएसपी और सुप्रीम कोर्ट मुझ पाकर भागता था, ये मौलवी जेल से निकलेगा कैसे, ये मौलवी जेल से भागेगा कैसे, मगर मेरे अल्लाह की कुदरत देखो, मेरे रब का करिश्मा देखो, जिहाद की ताकत देखो, शहदा के खून का सरजद देखो, उलमाए देवबंद की ललकार देखो और हमारे अकाबिर की ललकार देखो। चंद नौजवानों ने इंडिया की जेल नक्श करके डाल दी और कंधार के परवाज जमीन से उतरा, उसका सर जमीन पे गड़ चुका था और देवबंद के तालिबे इल्म कहकर फतह को उल्टा लटकाया। मैं इस मजलिस में उलमाए देवबंद की तरफ से अहले बातिल तक ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की शान अकदस में कादियानियत ने हमला किया है, उलमाए देवबंद ने हथकड़ी पहनकर, उलमाए देवबंद ने सिंदानों में बंद होकर, उलमाए देवबंद ने सजाए मौत के फंदे जोड़कर पैगंबर की जात का दिफा किया है, अगर पैगंबर के जात का अस्हाब पैगंबर का दिफा करना उलमा जानते हैं तो यही उलमा देवबंद के सही वारिस इमाम आजम अबू हनीफा नवरल्लाहु मरकदा का दिफा करेंगे, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद हम्बल का दिफा करेंगे। लेकिन मैं अगर मेरे रब को यह मंजूर हुआ उन उलमा का किरदार को अदा करेंगे जिनके बारे में खालिक ने ऐलान किया है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमाए हक अपने रब से डरते हैं, उलमाए हक अपने खालिक से डरते हैं, ये दुनिया के किसी ताकत से नहीं डरते। इसलिए मैं आज के गद्दार हुकूमत भाजपा से कह देना चाहता हूँ, आज के दुनिया के उन जालिमों से कह देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा कर यह ऐलान किया था कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा दी, अब एक तरफ से मुसलमानों की इबादत गाहों को मुनहदिम करते रहेंगे और इस्लाम मिटता रहेगा, लेकिन मैं इस्लाम के दुश्मनों से कह देना चाहता हूँ, वक्त के फिरौन और झूठे दज्जाल से कह देना चाहता हूँ कि रब के बागियों तुम्हारा तो जुल्म कुछ भी नहीं है, तुमसे पहले भी इस्लाम के दुश्मन आए और नबियों का नाहक खून बहाया, आम मुसलमानों का नाहक कत्ल किया, उनका जुल्म तुम्हारे जुल्म से बहुत ही ज्यादा बढ़कर था, लेकिन तब भी हमने रब का नाम नहीं छोड़ा, तुमने बाबरी मस्जिद गिरा कर यह खुशियां मनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर होगी और वहां से अजान की आवाज गूंजेगी, और यही तक बस नहीं, हिंदुस्तान के हर बुतखाने की जगह मस्जिदें होगी और वहां से अल्लाहु अकबर की सदाएं सुनाई देगी। तुमने बाबरी मस्जिद गिरा कर खुशियां मनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद तो ना बना सका, लेकिन बाबरी मस्जिद के जगह हजारों मस्जिदें तैयार हो चुकी है। आज तुम देशभक्ति का सबूत, देशभक्ति की दलील मांगते हो, देशभक्ति के सबूत और देशभक्ति की दलील दारुल उलूम के तराने में मौजूद है, अकाबिरीन बैठे हुए हैं, सौ बार सवार रहा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, सौ बार सवार रहा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को, ये अहले जिन्हों बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। अगर मैं अपने अकाबिरीन की तारीख को और आगे ले चलूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चंद बातें कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मुसलमानों, कल की रुसवाई से बचने के लिए आज अपनी आंखें उस तरकश बेदारी की तरह खोलो जिसकी आंखें कभी झपकती नहीं है, जिसको कभी नींद नहीं आती है। दुश्मनों ने हमारे मजहब पर हमला किया है, बाबरी मस्जिद पर हमला किया है, अगर हम मुसलमान अगर खामोश बैठे रहेंगे तो बाबरी मस्जिद अगर राम मंदिर बना लेगा तो मुसलमान हिंदुओं की जुरात बढ़ जाएगी। आज बाबरी मस्जिद पर हमला किया है, कल किसी और पर हमला करेगा और उससे आगे ले चलते हैं, उससे आगे और किसी पर हमला करेगा। इसलिए ए मर्द मुस्लिम, तुम ही तो दीन के मुहाफिज हो, तुम ही तो दीन मुतय्यन की मुहाफिज हो, तुम ही तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम का मुबल्लिग हो, ए बानी हरम फरजिंद इब्राहिम, एक बार फिर उठो दीन का झंडा लेकर, एक बार फिर उठो दीन की तामीर के लिए। इसलिए अपनी नींद गहरी से उठो, इसलिए आज मसला किसी एक मदरसा का नहीं है, आज
आज मसाला किसी एक जामिया का नहीं है, आज मसाला तो उलूमे इस्लाम के बका और तहफ्फुज़ का है। इसलिए पूरी इंसानियत इस्लाम के लिए कसम खा चुकी है, खंडक के आग में डूबने के लिए कूदने के लिए तैयार है। इसलिए मैं यही चंद बातों पे अपनी तफरीर को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।